साइड करो, साइड साइड से आ जाओ भाई, थोड़ा साइड में हटो ना तुम लोग, थोड़ा साइड से आ जाओ, आपको बचा दूंगा। अरे क्या कर रहे हो, बीच में मत आओ, बीच में मत आओ, चलिए आइए आइए। अरे भाई बहुत धक्का मुक्की मत करो, चलो दिल्ली आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मेरी एक वीडियो क्लिप है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर जो वायरल हो गई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि आज उसे यहाँ पर अवॉर्ड किया जा रहा है, मुझे बुलाकर मुझे बेस्ट इंटरनेशनल वायरल सेंसेशन का अवार्ड दिया जा रहा है। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, सो थैंक यू एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। अमीषा पटेल भी इधर आने वाली हैं, मैं उन्हें स्कूल से जानती हूँ, जब मैं स्पोर्ट्स गर्ल होती थी कैथीड्रल में, स्पोर्ट्स कैप्टन, वो मेरी हेड गर्ल होती थी, मेरी सीनियर। तो एक कैथीड्रल लाइट्स का रीयूनियन आज होने वाला है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म, एक वेब सीरीज और एक म्यूजिक वीडियो पे काम कर रही हूँ, सो दीज आर माई projects which will be releasing next year. Big Boss chal raha hai, haan main dekh bhi rahi hoon. Top 3 mein I like Abdu, he's sweet, unhe to sab dekhna chahte hain top 3 mein. And there are a couple of other good candidates also jo lad jhagad ke apni jagah banaye hue hain, jaise ki Priyanka is there and of course there are others like Nimrit who are strong contenders, strong personalities. So yeah. Well, I think that he's been through a lot as far as the Me Too campaign is concerned. उन्होंने काफी already suffer कर रखा है और अब वो show में हैं और लोग इतना you know oppose कर रहे हैं उसे, बोल रहे हैं कि उन्हें हटाइए, उन्हें हटाइए, तो उन्हें careful रहना चाहिए, खुद खुद के कदम रखने चाहिए, that's all I'll say. I'll see if what kind of a deal am I getting, क्योंकि आपको तो पता ही है बिग बॉस सीजन 5 में जब मैं गई थी मेरे लिए मेरी जर्नी वॉज एनी थिंग बट ईजी, पर मैंने बहुत सीखा एंड आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट विद ग्रैटिट्यूड, सो आई सी। सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2022 की विनर हुई थी तो उसका अवार्ड मुझे मिल रहा है। अभी तो नहीं, अभी आगे जाके और होगा। थैंक यू सो मच। वन आवर। थैंक यू सो मच। और आप सबके सामने आकर आप सबसे मुलाकात करके और अच्छा लग रहा है। जी सर, जब हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर किसी भी लेवल पे आपको जब अप्रिसिएशन मिल रहा होता है तो मतलब ऐसा लगता है ओह प्रसाद मिल रहा है ना। तो वही वाली फीलिंग रहती है हमारी जब भी कोई अवार्ड फंक्शन में हमें अवार्ड मिलता है, और ये हमारा आज का तमस आइकॉनिक अवार्ड 2022 तो स्पेशल है ही, क्योंकि ये इस साल का पहला अवार्ड फंक्शन है जो हम अटेंड कर रहे हैं, इसलिए ये खास है अभी इस साल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, मुझे मतलब सेम जो अभी एकता ने बोला कि आप किसी भी फील्ड में अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है ना तो आपको काम करने की और अच्छी हिम्मत आती है, एंड जस्ट आई विश बेस्ट विशेस टू द तमस आइकॉनिक अवार्ड कि ये हर साल ये लोग प्रोग्रेस करते रहे, बढ़ता रहे डे बाय डे। करेंटली हम लोगों ने मतलब इंडिविजुअली पहले अपनी बता लेते फिर सुशांत जी अपनी बता लेंगे, मैंने 3 वेब सीरीज अभी कंप्लीट की हैं, 2 फिल्में कंप्लीट की हैं और सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में है। सो होपफुली देखिए 2023 में कौन कौन सी चीज़ें कब कब पहले आती है, कौन सी पहले आती है। अभी मैंने 2 फीचर फिल्म्स की हैं, एक अभी OTT के लिए प्लान चल रहा है किस OTT पे आनी है, उसके लिए इंडिपेंडेंट फिल्म है,
सेकेंड अभी एक वेब किया था मैंने जो अभी रिसेंटली ऑल्ट बालाजी पे आया है, सो अभी चल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एंड प्लीज एंजॉय. थैंक यू. मतलब बहुत. किस कैटेगरी में मिले आपको? एज अ मॉडल. आपने बताया कि आपने बारे में पहले आपने क्या किया? सीरीज के है और मतलब काम के है. अभी मेरी शुरुआती है. हाँ, सीरीज और शूट वगैरह. सिमरन सिंह. उनके बारे में अभी कहना है कि अभी अवार्ड मिलेगा तो और ज़्यादा मैं बोलूँगी. अभी तो बहुत क्या मतलब एक होता है ना कि पार्टिसिपेटिंग है ना. नहीं वो कोई बात नहीं. कि मैं तो इनके साथ में हूँ. कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. This side. Center. Done. Yeah. I'm here. I'm this one. Chief guest, कुछ बोलना चाहते हैं आप? आप लोग सहमत साइड पर कवर में आए हो. Chief guest, सम्मानित किया गया आपको. मुझे सीमांत भाई का सीमांत. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोगों ने अलग अलग फील्डों में बहुत मेहनत करके अच्छा काम किया है उनको आज सम्मानित किया जा रहा है. इट्स वेरी इनकरेजिंग लोगों के लिए और इट ऑलवेज मेक्स देम वर्क हार्डर, मेक्स देम फील दैट कि जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत रंग लाती है, मेहनत का फल मिलता है. एंड इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो टू सी दैट यू नो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. सो एंड आई थिंक दैट व्हेन समवन वर्क सो हार्ड उनकी काबिलियत और उनकी मेहनत की प्रशंसा की ही जाती जानी चाहिए और उनको अवार्ड देने ही चाहिए. मैम अभी आपको सोशल मीडिया पे आने वाले पिक्चर गदर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कब तक इंतजार करेंगे लोग बताएंगे आप? वेल इंतज़ार बहुत कम करना पड़ेगा यही मैं कह सकती हूँ. फिल्म 80% कम्प्लीट है और गदर की स्पीड में कम्प्लीट हो रही है एंड होप कि भगवान की दुआ से, ऑडियंस के प्यार से, आप लोगों की आशीर्वाद से, जैसे पहली गदर को आप लोगों ने ही हिट बनाया और आप लोगों के हाथ में ही है दूसरी को भी हिट बनाना. आई होप हमारा काम हमने बहुत मेहनत और लगन से किया है आप सभी को पसंद आए. रश्मि जी आप बताइए इस अवार्ड की तैयारी में कितना टाइम लगा आपको? क्या है एक्चुअली हमको ऑलमोस्ट 3 महीने लगे थे. इससे पहले हमारा राइट चॉइस अवार्ड था उसमें भी मैम ही थे एंड नवंबर को भी हमारा ही था. संडे को भी हमारा राइट चॉइस अवार्ड दिल्ली में था वो भी हमारा ही था उसमें भी मैम ही एज अ चीफ गेस्ट थे एंड मैं स्टेज पे भी गाए मैंने आई जस्ट लव हर स्माइल. लेकिन तो आप इसी बात से ये इतने अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये एग्जाम्पल है कि दे बिलीव इन रिवॉर्डिंग द पीपल हु हैव वर्क्ड हार्ड इन डिफरेंट फील्ड्स एंड ऐसे ही लोग जब इंकरेज करते तो लोग और मेहनत करते. सो आई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. दे वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. एक फैमिली मेंबर जैसा आप हो गए, आप दोनों भी साथ में काम कर रहे हैं. मैंने आपसे एक सवाल है, बिग बॉस आप देख रहे होंगे? मैं बिग बॉस नहीं देखती. इस अवार्ड के बारे में मैं कहना चाहूँगी, इस अवार्ड में, इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में राज जी की और सीमांत जी की जो मेहनत है वो बहुत मेहनत है और इस अवार्ड को काफ़ी टाइम से वो लोग प्लान कर रहे थे और मतलब उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको सक्सेस बनाया जा सके. अब कितना सक्सेस हुआ ये तो आप लोग बताएंगे, मेरी नज़र में तो सक्सेस हुआ है बट इसमें सीमांत जी और राज जी की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत की है और आप लोगों का अगर प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम लोग आगे भी चीज़ें करते रहेंगे जैसे कि पहले भी हम लोगों का अवार्ड फंक्शन होता आए हैं तो आगे भी आपको मौका मिलेगा. बोलो 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 जी. किस कैटेगरी का अवार्ड मिला?
मुझे कैसे जानते हो बताओ पहले तो नाम यहाँ पे एकता है पूरा देश को जोड़ने वाला है आप सब मुझे एक्टर के तौर पे जानते हो बराबर ना तो मुझे अवार्ड किस कैटेगरी में मिलना चाहिए बताओ आप बताओ मुझे तो मतलब देखो जिस भाव से मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ उसी भाव से मुझे प्रसाद मिलता है ना एक्टिंग करती हूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है जितने भी मैंने किए हैं अब तक जितना भी मैंने अपने जीवन में मुंबई में अचीवमेंट अपने मतलब ड्रामेटिक पढ़ने के बाद जब मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ और अब तक जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उन सभी का मिला जुला ये तमस आइकनिक अवार्ड मिला है मुझे अरे किरदार मुझे लगा मन पसंदीदा एक्टर कौन है वो तो मैं खुद हूँ किरदार मुझे राधा तेरे मेरे सपने की राधा ही बिकॉज उसमें इतने सारे शेड्स थे ना मैंने उसमें राधा का रियल फॉर्म तो जिया ही है ना पढ़ा लिखा एक्टर होते हुए भी अनपढ़ पांचवी पास लड़की का किरदार करना है ना व्हाट अ टास्क था फिर उसमें भी आपकी रेखा जी वाले कई सारे शेड्स थे रेखा जी कई सारे फिल्मों के ट्रैक्स उसके अंदर थे सबसे अच्छा मुझे ट्रैक कौन सा लगा था जिसमें वो मर जाती है फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो फिर बिल्कुल बीवी होता है ऐसी वाला जब वो ट्रैक आया था राधा मेरे शो में तेरे मेरे सपने में और राधा बनी थी सोनिया वो ओहो बाकी तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं सारे किरदार मैं जो निभाती हूँ दिल से निभाती हूँ तभी आप लोग प्यार करते हो हाँ जी पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं जी एक्साइटमेंट बहुत ही है बहुत अच्छा लग रहा है जब भी आपको कभी भी कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है कि आपने जितना हार्डवर्क किया है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग मेरा प्रोजेक्ट है एक विद्या एक फिल्म है जिसमें हम दोनों हैं साथ में और अभी एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए हमने साथ में एक प्ले किया है वो भी आने वाला है एंड मेरी एक फिल्म है हैंडशेक करके जिसमें मैं लीड प्रोटैगनिस्ट हूँ वो अभी बहुत जल्द पोस्ट प्रोडक्शन में है बहुत जल्द वो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी थैंक यू सो मच थैंक यू एक स्पोर्ट्स के लिए सोचा स्पोर्ट्स का शोरूम डालने के लिए सोचा और अभी हम लोग अच्छा तरक्की कर रहे हैं सो ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप था सो उसके बाद अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए हैं आगे हमारा भी फोकस वही रहेगा हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सके अच्छे गुड्स अच्छे दाम पर दे सके नेक्स्ट हमारा ये है हम लोगों का स्पोर्ट्स का है सब इक्विपमेंट्स लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर ध्यान जो है वो क्रिकेट के लिए है और क्रिकेट के सारे इक्विपमेंट्स है जो हम हमारे उधर ही प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं और उसको क्रिकेट को आगे प्रमोट करना है सॉरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था बहुत अच्छा लगा मिला है 15 साल से तुम भी जानते हो किस चीज़ का मिला है बेसिकली बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अभी मैंने रुद्रा शंकर पशुपति फिल्म की थी और अमेजोन की मैंने फिल्म बनाई थी उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है अवार्ड आपको मिलने के बाद क्या आपको नया कुछ करने के लिए लग रहा है बेसिकली 15 ईयर्स से डायरेक्शन ही कर रहा हूँ फ्यूचर में भी डायरेक्शन कर रहा हूँ अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसी में लगा हुआ ये मोहित गांधी है मेरे प्रोड्यूसर है जिन्होंने हमने 3-4 मिलकर साथ में प्रोजेक्ट किए हैं अभी फ्यूचर में भी हम 2 फिल्में साथ में मिलकर कर रहे हैं मेरा नाम मोहित है और मुझे आज जो अवार्ड मिला है बेस्ट यंग प्रोड्यूसर का बिकॉज मेरी एज है जस्ट 23 और मेरी फिल्म मतलब फैमिली में कोई ऐसा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था मैं जो भी आया हूँ मैंने अभी तक 8-10 प्रोजेक्ट मैंने एज अ प्रोड्यूसर एज अ को प्रोड्यूसर करे हैं तो जो भी किया मैंने खुद किया है तो इसलिए मेरे को बेस्ट यंग प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है अभी नेक्स्ट मैं अभी तो मतलब ऐसे बता नहीं सकता लेकिन 4-5 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे अच्छे मतलब आर्टिस्ट नोन स्टार कास्ट का जो प्लान चल रहे हैं वो अगले साल ही जो मीडिया में आएगा तब भी बता सकते हैं बस बाकी फिल्में कर रहा हूँ अभी 2 फिल्में पोस्ट में एक सरकारी बच्चा बजेंद्र गाला को लिखी थी की थी अभी रुद्रा शंकर पशुपति है जो अभी फाइनल हुई है एक और फिल्म है हम रियल कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं जो गैंगस्टर की उस पर है बेस पे है तो चार सरफिरे 3 से 4 प्रोजेक्ट अपकमिंग हमारे चल रहे हैं जिसमें कास्टिंग तुमको ही देने वाला हूँ
मेरे को बेस्ट सलून एंड स्पा चेन का अवार्ड मिला है. मेरा अभी तक मुंबई में 8 ब्रांचेज है एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन इट ऑल ओवर इंडिया. सो अभी मेरा ऑलरेडी 4 ब्रांच का इंटीरियर ऑन है इन गुजरात. सो वी आर प्लानिंग फॉर MP एंड वी आर प्लानिंग फॉर दिल्ली एज वेल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Actually, it's a Thomas Iconic Awards. It's a, you know, very, I can say like it's a great award show. And first time I'm having an award from this. And this is a great honor to me. It's a, you know, most sexiest actress in the world. So that is really so great thing for me. Yeah, I'm so much excited. As you know, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे award मिल सकता है, so I was really बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी. एक्चुअली दादा साहब फाल्के जी मेरे जिस हिसाब से मेरे परदादा जी हैं तो मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे अवार्ड शोज हो रहे हैं लेकिन जो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के नाम पर जो पैसे ले रहे हैं बहुत सारे कंटेस्टेंट बताते हैं कि कई लैक्स अमाउंट्स का उनसे बोला जा रहा है. सो दैट्स थिंग आई डोंट लाइक. आई वॉन्ट दैट थिंग कि जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हीं को दादा साहब फाल्के मिले. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पेरेंट्स ऑलवेज दे टेक द एक्शन और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमेशा बोलते हैं. और दूसरी बात यह कि अगर हम फाल्के जी का नाम यूज कर रहे हैं सो दे शुड ऑल्सो गेट द NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग द अवार्ड फंक्शंस. सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग. सो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है ऑर्गेनाइज करिए. अच्छा लगता है हमारे दादाजी का नाम वर्ल्ड वाइड है लेकिन आई थिंक कि पेमेंट तो ना लीजिए आप. उनको उनकी योग्यता के हिसाब से अवार्ड्स दीजिए तो हमें अच्छा लगेगा. लेकिन आप नाम ले रहे हैं बहुत सारा इनकम भी कर रहे हैं सो दैट थिंग अच्छा नहीं लग रहा. कभी एक्शन लेने का सोचा आप लोगों ने? कभी एक्शन लिया जाए जैसे लोग करते हैं कभी इसे जो करते हैं पेट से एक्शन लिया जाए कुछ आप लोग सोचा बैन किया आपने कभी एक्शन लिया जाए उन लोगों पे जो पैसा पेड अवार्ड कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने इतना नहीं सोचा था बट रिसेंटली आई एम थिंकिंग नहीं मानेंगे तो मैं लूँगी. और मेरे एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं जो इस तरह के अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दादा साहब फाल्के. सो समटाइम्स बट ऑल राइट फ्रेंडशिप इज डिफरेंट प्लेस एंड दैट एक्शंस आर डिफरेंट प्लेसेस. मैम आप कुछ आने वाले प्रोजेक्ट? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्चर्स हूँ. सो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. रिसेंटली मेरा म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है और कल ही बल्कि उसका अनाउंसमेंट है. आप सब लोग वहाँ पर भी आएंगे आई नो दैट. सो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड अच्छा लगता है और हॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आ रहे हैं. आई होप सो दिस ईयर आई एम हॉलीवुड में एक मूवी है जो मैं करने जा रही हूँ. सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं और उसमें बहुत अच्छी कास्टिंग है. जिस हिसाब से मुझे कास्ट आया है उसमें नरगिस जी भी हैं बॉलीवुड से करिश्मा कपूर भी हैं एज इन सपोर्टिंग एक्टर्स और जो मूवी बना रहे हैं मेरी सिस्टर हैं. सो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग. एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. मेरे लिए बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही बहुत अच्छे हैं बिकॉज अब बॉलीवुड तो मतलब बहुत दादाजी की याद आती है यहाँ पे आते तक एंड हॉलीवुड तो है ही अच्छा. थैंक यू सो मच. मुझे बेस्ट इन्फ्लुएंसर मिला है और मैं हिजाबी हूँ फर्स्ट मुंबई की. ज़्यादा नहीं आधा घंटा आधा घंटा लगा है. अभी तो नवा मैं मुंबई की एक हिजाबी मॉडल हूँ जो मुंबई में फर्स्ट हिजाबी मॉडल वो मैं हूँ. तो मैं शोज़ करती हूँ बस जो भी बुरखे वाले हैं उनको थोड़ा ऐसे बताती हूँ कि बुरखे में रह के भी सब चीज़ कर सकते. बुरखा भी कभी हटा सकते हैं? बुरखा हटाना नहीं है बुरखा पहनना ही है. बुरखा पहन के भी सब चीज़ हो सकती है. ज़रूरी है खुले खुले कपड़े पहन के ही लोग हमको पसंद करें ऐसे कपड़े पहन के ही पसंद करें. अब जिसकी सोच जैसी जिसका जैसे दिल में आए वैसे उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती. मैं सूरत से हूँ और बेस्ट साइकिलिस्ट सूरत से इसलिए मुझे ये अवार्ड के लिए पसंद किया गया है और बेस्ट साइकिलिस्ट और अमीषा मैम के साथ ये सम्मान किया. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और थॉमस आइकन अवार्ड 2022 उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ. जय हिंद.
आपने किया, कैसे आप फीलिंग लग रहा है, आपको प्यार मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा और इतने लोग आए और उन सभी की प्रतिभाओं को हमने सम्मान दिया और अमित शाह जी ने उनको जो अपने हाथों से अवार्ड दिया वो भी हमेशा याद रखेंगे और हम भी हमेशा याद रखेंगे। और जितने भी लोग आए सभी खुश होकर गए, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, तो उनके चेहरे पर जितनी मुस्कान थी उतना ही हमें भी अच्छा लगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैनेजमेंट तो आप लोगों की वजह से हुआ है सारा खेल, तो आप लोग जो इतना शुरू से लेके अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं, तो सारा योगदान हम मीडिया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे सारे चैनल्स का, और मैनेजमेंट तो करते ही हैं, आप लोग ही सहारना जब रिजल्ट आता जब पता चलता है। एक्चुअली टाइमर्स आइकॉनिक अवार्ड हमारा फर्स्ट ईयर था, इससे पहले हमारी कंपनी ने रियल एम्पीरियल अवार्ड किया था, अभी हमारा सेकंड ईयर है, उसमें चीफ गेस्ट माधुरी जी हैं और रियल एम्पीरियल हम लोग क्रूज पर कर रहे हैं जी। करीब 54 लोगों को अवार्ड दिया गया अलग अलग इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो नया स्टार्टअप ला रहे हैं मार्केट में, जो एंटरप्रेन्योर हैं पहले से, बिजनेसमैन, हाँ, सोशल वर्क, मतलब ETC, बहुत सारे विभागों में सम्मानित किया गया है लोगों को। आप भी बोलना चाहते सर? जो अभी तमस आइकॉन तमस की तरफ से जो हमें आज अवार्ड लेने आया है यहाँ पर, हमारे मित्र राज राजपूत जी ने जो ग्रोथ किया उसके लिए उन्होंने बुलाया हमारे लिए, बुलाने के लिए, और आज जो हमें यहाँ पर सम्मानित किया बोर्ड सर, इसके लिए राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, राज जी के पार्टनर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और आगे कंपनी इनकी ग्रोथ कराए दुआ करते हैं। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली आर्टिस्ट बहुत सारे आने वाले थे, रश्मि देसाई, करणवीर शर्मा, अमन भारद्वाज जी, बट किसी कारण कहीं डेट, रामदास अठावले जी आने वाला था, उनका फिक्स था, बट वो 5 तारीख को बाहर निकल गए, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। तो अमित शाह जी ने तो हमें 3 महीने पहले ही डेट दी थी कि जब जिस दिन डेट चाहिए हो आप ले लीजिए, तो अमित शाह जी का फिक्स था। जो सब आप चाहते वही उनकी सभी सभी गदर तो आप जानते ही, और जब जिससे उन्होंने शुरुआत की थी कहो ना प्यार है ना, उससे ही वो लोगों के दिलों पर छा गई थी, उस समय के सभी लोग जानते हैं अमित शाह जी का, अमित शाह जी का टैलेंट तभी से लोगों ने देखा और लोग हमें भी आज भी जानते हैं, आज भी चाहते हैं अमित शाह जी को। नेक्स्ट हमारा अभी कई प्लानिंग चल रही है एक साथ, तो नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कुछ बड़ा, इससे बड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, और जैसे ही वो पूरा डिस्क्लोज, पूरी प्लानिंग हो जाएगी आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा और आप देखेंगे। थैंक यू सर।